जी, मेरा नाम श्वेता त्रिपाठी है और यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओईआरओ 2021 के एग्ज़ाम में मेरा सचिवालय समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। और इसके लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए एक साथ प्रीलिम्स कम मेंस की तैयारी की थी। और इसके लिए मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, अपनी ही बुक्स में अंडरलाइन करके पढ़ाई की है। तो इन बुक्स को मैंने सब जब पहली बार बुक्स पढ़ी थी तो उनको थरोली सिर्फ एक बार पढ़ लिया था और कोई अंडरलाइन नहीं की थी। फिर जब मैंने सेकंड टाइम बुक पढ़ी थी तो उसके बाद मैंने एक बार पेंसिल से अंडरलाइन किया था जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते थे। लेकिन फिर जब मैंने थर्ड टाइम बुक्स पढ़ी थी तो उसके साथ साथ बुक्स पढ़ने के साथ साथ मैंने उसके पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे, जैसे कि यूपीपीसीएस के हो गए, आरओईआरओ के और यूपीएससी के। तो मुझे ये आइडिया लग गया था कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर जैसे क्वेश्चंस का पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने अपनी बुक्स में सिर्फ वही अंडरलाइन किया, जिससे मेरी बुक्स ही मेरे लिए नोट्स का काम कर रही थी। तो जैसे हिस्ट्री की ये बुक है, एंशियंट हिस्ट्री की, तो मैंने इसमें जैसे कि ये हड़प्पा संस्कृति के बारे में ये अंडरलाइन किया हुआ है, जहाँ से हड़प्पा संस्कृति से क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में वही मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया। जैसे हड़प्पा संस्कृति के लोग गैंडे से परिचित थे लेकिन वैदिक लोगों को यह अज्ञात था, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और यूपीपीसीएस के भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और फिर जैसे मुझे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लगता था तो मैं ऐसे उसी बुक में ही पीछे नोट डाउन कर लेती थी। जैसे पहले लाल काले मृदभांडों का प्रयोग होता था, फिर उसके बाद ताम्र पाषाण काल आया, उसके बाद उत्तरे काले पॉलिशदार मृदभांड आए, फिर उसके बाद महास्मीय काल आया। फिर उसी तरह से जब मैंने ऋग्वैदिक काल पढ़ा तो पहले अंडरलाइन कर ली, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं उन्हीं से पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया और उनका बार बार रिवीजन किया, मल्टीपल रिवीजन एग्जाम के टाइम किया। और फिर जो पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा मिलते थे कहीं और से, इंटरनेट से या फिर किसी और बुक से, उसको मैं इसी पर ही पीछे लिख लेती थी, या फिर कोई क्वेश्चन मिले तो उनके मैं इन्हीं बुक के ही पीछे लिख लेती थी और बार बार इनका रिवीजन करती थी, जिससे कलेक्टिव नोट्स तैयार हो गए थे। इसी तरह से मैंने पॉलिटी के लिए भी एम लक्ष्मीकांत में भी मैंने इसी तरह से अंडरलाइन करके ही पूरी पढ़ाई की है और जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया था ऐसे ही। और जहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता था उन्हें मैं ऊपर या फिर नीचे शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख लेती थी, जिससे मुझे अलग से एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी और इन्हीं बुक्स के ही साथ मेरे नोट्स तैयार होते गए। और घटना चक्र जैसे आपको पढ़ने हैं, घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, तो इनके लिए भी मैंने घटना चक्र में पहले जैसे कोई टॉपिक है तो उसके में पहले उसका थोड़ा सा डिटेल दिया रहता है, तो उसके लिए मैंने उसमें पहले अंडरलाइन कर लिया और उसके बाद सारे क्वेश्चंस पढ़े। और जो क्वेश्चन मुझे रिपीट कर पहली बार में नहीं याद होता था और दूसरी बार मुझे रिपीट करना रहता था, रिवीजन करना रहता था, उसके लिए मैं स्पेशली अंडरलाइन कर लेती थी, जिससे एग्ज़ाम के टाइम मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन का रिवीजन करूँ क्योंकि बाकी क्वेश्चन मुझे याद हो चुके होते थे। और इसी तरह से मैंने इसे के लिए मैंने अपनी खुद तैयार कर लिया था कि मुझे तीनों खंडों में से कौन कौन से किस टॉपिक में ऐसे लिखने हैं। इसलिए मैंने जैसे पहले खंड में मुझे साहित्य एवं संस्कृति से ऐसे लिखना था, इसके लिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी और प्रैक्टिस करती थी इसकी बार बार, जैसे कि ऐसे की शुरुआत कोटेशन से करती थी, जैसे साहित्य एवं संस्कृति का अंतर संबंध, बिना संस्कृति और संस्कार मानव जीवन में हो जाता है अंधकार, फिर अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। इस तरह से कोटेशन से शुरुआत करके पूरे ऐसे को ऐसे लिखना है जैसे आप एग्जामिनर के साथ चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं और एग्जामिनर को दिखाइए कि ऐसे में अपने आप हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, इंटरनेशनल सारे एस्पेक्ट्स को दिखाते हुए और सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं उस ऐसे से संबंधित ऐसे करते हुए पॉजिटिव वे में ऐसे का कंक्लूजन फिर लिखिए, इंट्रो से कनेक्ट करते हुए कंक्लूजन लिखिए। फिर जैसे इसके बाद अपने कुछ ऐसे की शुरुआत आप कोटेशन से कर सकते हैं और कुछ ऐसे की शुरुआत आप स्टोरी टेलिंग से कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने जो पर्यावरण पर ऐसे लिखा था उसकी शुरुआत मैं स्टोरी टेलिंग से हमेशा करती थी, तो स्टोरी टेलिंग से शुरुआत करते हुए फिर SDG सतत विकास लक्ष्यों से उसको जोड़ते हुए धारणीय विकास किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है उससे आप अपने ऐसे को एंड करिए। और इसके लिए ऐसे के लिए मैंने निबंध दृष्टि की बुक्स भी परचेज की थी एग्जाम के टाइम, और सामान्य हिंदी और आलेखन के लिए मैंने यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की ये बुक परचेज की थी। और इसके साथ ही करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर्स का जो वीडियो आता है
उसको मैं पूरा देखती थी और फिर उसके सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स उसके नोट डाउन कर लेती थी, या फिर कोई अगर कोई पॉइंट दोबारा बताया जा रहा है या क्वेश्चन फॉर्म में बताया जा रहा है तो उसके मैं स्क्रीनशॉट मार लेती थी और उसके बाद पीडीएफ फॉर्म में उसे बना लेती थी। और इसके साथ साथ मैं दृष्टि आईएएस की वेबसाइट में प्रीलिम्स फैक्ट को भी, एक उनका सेक्शन होता है करंट अफेयर्स में, उसको मैं डेली पढ़ती हूँ, अभी भी मैं उसको डेली फॉलो करती हूँ। उसको आप सभी यूपीपीसीएस, आरओआरओ और यूपीएससी सभी परीक्षा देने वाले प्रतियोगी इस सेक्शन को जरूर फॉलो करें। और इसी जैसे 14 मई को प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, तो जीरो से भी शुरुआत करके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सारी यूपीपीसीएस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट सभी की घटनाचक्र लेकर के उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। और इसके साथ साथ यूपीपीसीएस के ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 1993 से शिल्पी पब्लिकेशन की बुक है, उसमें 1993 से अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सॉल्व पेपर्स उसमें हैं, उसको आप परचेस करके बार बार उनकी प्रैक्टिस करिए, तो इतने से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और करेंट अफेयर्स के लिए एक जो आई दृष्टि आती है और यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको लीजिए। और यूपी स्पेशल, अभी यूपी का बजट आने वाला है, उस बजट को पढ़िए। और इंडिया का बजट अभी फरवरी में आ जाएगा, उसको भी पढ़िए, इससे आपका इकोनॉमी का पूरा क्लियर हो जाएगा। इन सभी के साथ साथ मैंने ये बुक लिस्ट फॉलो की थी। हिंदी के लिए डॉक्टर हरदेव बाहरी की बुक से ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है और सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी इसमें प्रशासनिक शब्दावलियाँ दी हुई हैं और पत्राचार के लिए यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की हो जाती है। आशा करती हूँ कि मेरी द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी आप लोगों को यूज़फुल लगेगी और बिल्कुल जोश, जुनून और जज्बे के साथ, मेहनत और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ, क्वांटिटी टाइम को ना देखते हुए क्वालिटी टाइम के साथ अपनी प्रिपरेशन करिए, तो आपका बहुत कम समय में भी प्रीलिम्स हो जाएगा और उसके बाद आप मेंस के लिए भी आगे तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।